दोस्तों आपका स्वागत है आज किस नए वीडियो में। आज हम रिव्यू करने वाले हैं मोस्ट स्टाइलिश स्कूटर टीवीएस एंटॉर्क 125cc। टीवीएस एंटॉर्क 14 कलर्स और 6 वेरिएंट्स में अवेलेबल है। फर्स्ट वेरिएंट है टीवीएस एंटॉर्क 125 ड्रम एडिशन, सेकंड है डिस्क एडिशन, थर्ड है रेड एडिशन, फोर्थ है सुपर स्क्वाड एडिशन, फिफ्थ है रेक्स एक्सपी एडिशन और लास्ट एंड टॉप मोस्ट वेरियंट है टीवीएस एंटॉर्क 125 एक्सटी एडिशन। एंटॉर्क के बेस वेरियंट की एक शोरूम प्राइस है 87,000 रुपीज। एंटॉर्क की बैजिंग हम यहाँ पर देख रहे हैं। आज हम रिव्यू करने वाले हैं एंटॉर्क 125 रेस एक्सपी एडिशन का। इस वेरिएंट की एक शोरूम प्राइस है 1,00,000 रुपीज। यहाँ पर हम स्मार्ट एक्स कनेक्ट की बैजिंग देख रहे हैं। टर्न इंडिकेटर्स बहुत ही बढ़िया लगते हैं। 125 रेस एक्सपी की बैजिंग, ये स्कूटी बहुत सारे प्रीमियम फीचर्स के साथ आती है। इसके लुक्स काफी स्टाइलिश है। अब हम बात करने वाले ब्रेक व्हील और सस्पेंशन के बारे में। 12 इंच के बहुत ही स्टाइलिश रेड कलर में अलॉय व्हील्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। टीवीएस रेसिंग की बैजिंग, ट्यूबलेस टायर्स के साथ ये स्कूटी आती है। फ्रंट टायर की साइज है 100x80/12 की, रियर टायर की साइज है 110x80/12 की। फ्रंट में आपको मिलता है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन विद हाइड्रोलिक डैम्पर, रियर में मिलता है कॉइल स्प्रिंग विद हाइड्रोलिक डैम्पर सस्पेंशन। यहाँ पर हम इसका बहुत ही बढ़िया सीट देख रहे हैं, दो लोग इसके ऊपर आराम से बैठ सकते हैं। एंटॉर्क 125 की बैजिंग, रेस की बैजिंग, रेड रेस ब्लैक कलर बहुत ही बढ़िया और स्टाइलिश लगता है। फुटरेस्ट मिडिल स्टैंड हम यहाँ पर देख रहे हैं। टीवीएस की बैजिंग आपको नीचे मिलती है। SBT ब्रेकिंग सिस्टम आपको स्कूटी में मिलती है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलता है, डिस्क ब्रेक की साइज है 220mm की। रियर में आपको मिलता है ड्रम ब्रेक, ड्रम ब्रेक की साइज है 130mm की। सिंगल पिस्टन कैलिबर के साथ ये आती है। अभी हम इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया और स्टाइलिश लगता है। इंस्ट्रूमेंट कंसोल डिजिटल मिलता है, ओडोमीटर स्पीडोमीटर भी डिजिटल मिलता है। फ्यूल गेज आपको मिलती है, डिजिटल फ्यूल गेज मिलती है। कीज की डिजाइन हम देख रहे हैं, कीज की डिजाइन बहुत ही स्टाइलिश मिलती है। हजार्ड वार्निंग इंडिकेटर आपको स्कूटी में मिलते हैं। SMS कॉल अलर्ट्स आपको इसमें मिलते हैं। नंबर ऑफ ट्रिप मीटर्स 3 मिलते हैं। ट्रिप मीटर आपको डिजिटल मिलता है। इसके साथ ही लो लेवल फ्यूल वार्निंग, डोर हजार वार्निंग, बैटरी इंडिकेटर मिलता है, क्लॉक आपको इसमें मिलती है। यहाँ पर हम इसका पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख रहे हैं। एंटॉर्क रेस एक्सपी की बैजिंग बहुत ही बढ़िया लगती है, आपको इसमें डिफरेंट मोड्स मिलते हैं। फ्यूल ऑयल के मेंटेनेंस फ्री बैटरी के साथ ये स्कूटी आती है। वीडियो के एंड में हम इस स्कूटी का एग्जॉस्ट साउंड भी सुनने वाले हैं। GPS नेविगेशन सिस्टम और USB चार्जिंग पोर्ट के साथ ये स्कूटी आती है। इलेक्ट्रिक स्टार्ट आपको स्कूटी में मिलता है। इसके साथ ही क्विल स्विच मिलता है। लेफ्ट हैंड को लाइट के कंट्रोल्स, टर्न इंडिकेटर के कंट्रोल्स और हॉर्न मिलता है। राइट साइड को हजार्ड लाइट का बटन। एडिशनल फीचर्स में RTFI, लास्ट पार्क लोकेशन असिस्टेंस, वॉइस असिस्टेंस मिलता है। ये स्कूटी बहुत सारे फीचर्स के साथ आती है। इसका कुल वेट 116 kg का है। आपको इसमें हाई रिजिडिटी अंडरबोन रेक्टेंगुलर ट्यूब चेसिस मिलती है। सीट हाइट है 770mm, ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलता है 155mm का। इस स्कूटी की ओवरऑल लेंथ 1.861 मीटर्स की है। ओवरऑल विड्थ 710mm की है। अब हम इसका बूट स्पेस देखने वाले हैं। ओवरऑल हाइट है 1.164mm की, व्हील बेस है 1.285mm का। यहाँ पर हम इसका पूरा अंडरसीट स्टोरेज देख रहे हैं। बहुत ही बढ़िया अंडरसीट स्टोरेज आपको इस वेरियंट में मिलता है। टोटल 20 लीटर के अंडरसीट स्टोरेज के साथ ये स्कूटी आती है। आप यहाँ पर हेलमेट और कुछ सामान वगैरह रख सकते हैं। इसके डिजाइन काफी प्रीमियम है। इस स्कूटी की फ्यूल टैंक कैपेसिटी 5.8 लीटर्स की है। आपको यहाँ पर फ्यूल लिड ओपनर मिलता है। हम यहाँ पर फ्यूटल फ्यूल E20 अप टू फिल कर सकते हैं। रिजर्व फ्यूल कैपेसिटी 1 लीटर की है। इमिशन स्टैंडर्ड BS6 के अनुसार है। टीवीएस एंटॉर्क में आपको मिलता है 124.8cc का एयर कूल्ड इंजन, जो प्रोड्यूस करता है मैक्सिमम पावर 10.08 bhp की और मैक्सिमम टॉर्क 10.8 Nm का। इस स्कूटी की ARAI सर्टिफाइड माइलेज है 48.5 km/L की और ओनर रिपोर्टेड माइलेज है अप्रोक्सीमेटली 42 to 45 km/L की। इसकी राइडिंग रेंज है 243.6 km की। टॉप स्पीड है 98 km/h का। आपको इसमें राइडिंग मोड स्ट्रीट एंड स्पोर्ट्स वाला मिलता है। ट्रांसमिशन सिस्टम ऑटोमेटिक मिलती है। यहाँ पर हम इसके टर्न इंडिकेटर्स देख रहे हैं। रियर रिफ्लेक्टर, टेल लाइट्स LED मिलती है, जो कि बहुत ही बढ़िया लगती है। रियर सस्पेंशन, रियर अलॉय व्हील्स, रिफ्लेक्टर हम यहाँ पर देख रहे हैं। ट्रांसमिशन आपको CVT मिलता है। गियर शिफ्टिंग पैटर्न ऑटोमेटिक मिलता है। सिलेंडर सिंगल मिलता है। बोर डायमीटर 53.5mm का है। स्ट्रोक इसका 55.5mm का है। यहाँ पर हम इसका एग्जॉस्ट देख रहे हैं। आपको इसमें 3 वॉल्स मिलते हैं। कंप्रेशन रेशियो 10.3:1 का है। इग्निशन CDI मिलता है। सिंगल स्पार्क प्लग के साथ ये स्कूटी आती है। कूलिंग सिस्टम एयर कूल्ड मिलता है। ऑटोमेटिक क्लच के साथ ये आती है। फ्यूल इंजेक्शन, फ्यूल डिलीवरी सिस्टम मिलती है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी 5.8 लीटर्स की है। यहाँ पर हम इसके फ्रंट लुक्स देख रहे हैं। LED हेडलाइट्स, LED टेल लाइट्स, इसके साथ ही डे टाइम रनिंग लाइट्स आपको LED मिलती है। टर्न सिग्नल्स बहुत ही बढ़िया लगते हैं।
अब हम बात करने वाले स्कूटी के मैन्युफैक्चर वारंटी की। आपको स्कूटी में 5 साल की 50,000 किलोमीटर्स की स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग वारंटी मिलती है। एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट्स बहुत ही बढ़िया लगते हैं। यह स्कूटी बहुत सारे प्रीमियम फीचर्स के साथ लोडेड आती है। रेड रेस ब्लैक कलर बहुत ही स्टाइलिश लगता है। मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी के साथ ये स्कूटी आती है। टर्न सिग्नल आपको हैलोजन बल्ब मिलते हैं। टर्न सिग्नल्स भी बहुत ही बढ़िया और स्टाइलिश लगते हैं। इस स्कूटी में आपको ब्लूटूथ इनेबल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। GPS नेविगेशन सिस्टम मिलती है। इसका परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है। अब हम इस स्कूटी का एग्जॉस्ट साउंड सुनने वाले हैं। बहुत सारे प्रीमियम फीचर्स और बढ़िया परफॉर्मेंस के साथ आने वाली ये स्कूटी आपको बहुत पसंद आएगी। आई वुड लाइक टू थैंक्स जैन देवकर सर, मैनेजर ऑफ शेलर TVS अरण्येश्वर पुणे, ऑल द स्टाफ ऑफ शेलर TVS अरण्येश्वर पुणे एंड शेलर ग्रुप। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेलर TVS अरण्येश्वर पुणे का कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस मेंशन किया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इंटरेस्टिंग अपडेट्स।